नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, शर्म और लिहाज इंसान को सभ्य बनाता है, लेकिन हर काम में शर्माना कभी कभी लोगों को मुसीबत में भी डाल देता है। इसलिए आचार्य चाणक्य के शर्म और लिहाज को लेकर अपने नीति शास्त्र में कई जरूरी बातें बताते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमारे जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए कई नीतियाँ बताई हैं। इन नीतियों में कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिनसे हमारे सुख और दुख की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक ऐसे ही आचार्य चाणक्य की एक नीति ऐसी है, जिसमें कुछ मौके पर बेशर्म होना ज्यादा अच्छा माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर इंसान जरूरी कामों पर बेशर्म नहीं बनेगा तो उसका अपना ही नुकसान होगा। इसलिए चाणक्य के अनुसार चार चीजों में आपको कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, खासकर पुरुषों को। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर पुरुष ये चार चीजें मांगने में शर्म करता है तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती है और ना ही संतुष्टि मिलती है। तो चलिए साथियों, आज हम आपको आचार्य चाणक्य के अनुसार बताते हैं कि कौन सी है वो चार चीजें जिन्हें पुरुषों को मांगने में कभी शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। साथियों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सबसे पहली चीज है जिसमें पुरुषों को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, वह है धन संबंधित काम में। जो भी व्यक्ति धन से संबंधित कार्यों में शर्म करता है, उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो उसे मांगने में कभी कोई शर्म ना करें, ना ही कोई रिश्ता बीच में आने दें, क्योंकि अगर आपने धन के मामले में शर्म की तो आपको ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, आप अपना दिया हुआ धन ही मांग रहे हैं, किसी और का नहीं, फिर शर्म और संकोच कैसी। दूसरा, गुरु से ज्ञान लेने में। साथियों, यदि आप अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो कभी शर्म मत कीजिए, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही है जो बिना शर्म किए अपने गुरु से सभी जिज्ञासाओं का उत्तर प्राप्त करता है। तभी तो कहा जाता है कि ज्ञान जितना लिया जाए वो कम ही होता है। कुछ लोग गुरु से अपनी जिज्ञासा को जाहिर करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं और भविष्य में आपको उसकी जगह से परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए जितना संभव हो सवाल पूछकर उसके उत्तर जानने का प्रयास करें और अपनी जिज्ञासा को शांत करें। तीसरा, भोजन करने में ना करें शर्म। दोस्तों, कहा जाता है कि खाना हमेशा भरपेट खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भोजन करने में शर्म करता है तो वो भूखा ही रह जाएगा। साथियों, कभी कभी कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ या मित्रों के यहाँ भोजन करते समय शर्म करते हैं तो वे पेट भर खाना नहीं खा पाते हैं और भूखे ही रह जाते हैं। इसलिए खाना खाने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। चौथा, पति पत्नी का प्यार। मित्रों, शादीशुदा जोड़े को शारीरिक संबंध के तौर पर किसी भी तरह का कोई भी शर्म नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सलाह मशवरा हमेशा करते रहना चाहिए। जो शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं या संबंध के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच कोई गैर पुरुष या गैर महिला अपनी जगह बना सकती है। तो साथियों, आज हमने आपको आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार बताया कि कौन सी है वो चार बातें जिन्हें मांगने से कभी भी पुरुषों को शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको भी ये जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और प्रेरणादायक रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।